नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो फार्मूला वन वैक्स होती है, तो आप उससे कैसे जो आपकी गाड़ी पर जो स्कफ मार्क्स या फिर जो छोटे मोटे स्क्रैचेज़ होते हैं, तो आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर याद रखिए कि जो डीप स्क्रैचेज हैं वहाँ पर ये जो वैक्स है वहाँ पर ये काम नहीं करेगी। तो दोस्तों, आप जो स्क्रैच है तो उसमें अपना नाखून डालकर देख लें। अगर तो आपका नाखून उसमें धस रहा है तो ये इससे रिमूव नहीं होंगे। अगर आपका नाखून उसमें नहीं धस रहा तो आप जो ये वैक्स है तो इसे स्क्रैच कर रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, बस आपको सिंपली जो फॉर्म है तो उसके साथ जो वैक्स है तो उसको स्क्रैच पर रब करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा ज़ोर से रब कीजिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो स्क्रैच हैं वो थोड़े थोड़े रिमूव हो रहे हैं। दोस्तों, थोड़ा सा आपको यहाँ पर थोड़ी मेहनत लगानी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्क्रैच अब काफ़ी हद तक रिमूव हो गया है। तो दोस्तों, जब आप इसे साफ़ कपड़े के साथ इसको क्लीन करेंगे स्क्रैच को रिमूव करने के बाद, तो इसमें काफ़ी शाइनिंग आ जाएगी और स्क्रैच आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप थोड़ी सी और वैक्स लगाकर इसको रिमूव कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको ज़ोर लगाना पड़ेगा और टाइम लगाना पड़ेगा, तो ये ज़रूर रिमूव हो जाएगा। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है इसमें। यहाँ भी पड़े हुए हैं स्क्रैच, तो उनको हम देखते हैं ये रिमूव होते हैं कि नहीं इसके साथ। तो दोस्तों, मैं आपको बता सकता हूँ कि काफ़ी हद तक ये रिमूव हो गए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, पर ये इतने गंदे लग रहे थे स्क्रैच, पर ये काफ़ी हद तक अब रिमूव हो गए हैं। तो दोस्तों, आप एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी हद तक रिमूव हो गए हैं ये स्क्रैच। अभी आपको इसको साफ कपड़े के साथ क्लीन करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो होप करता हूँ दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।